हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सतीश कुमार एंड यू आर वाचिंग टेफिक्शन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोलेबल स्मार्टफोन के बारे में। आज तक आपने काफ़ी तरीके की स्मार्टफोन देखे होंगे, जहां पे एज डिस्प्ले वाले, कटआउट कैमरे वाले, फोल्डेबल स्मार्टफोन, लेकिन अभी यहां पे एक कंसेप्ट स्मार्टफोन सामने निकल के आया है जिसका नाम है ओप्पो X2021। ये ओप्पो ने ऑफिशियली यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन इसको रिवील किया है और बताया जा रहा है कि 2021 में इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है ये कैसा है और कब तक हमें ये देखने को मिल सकता है। तो ओप्पो ने अभी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पे अपने ऑफिशियली कुछ अकाउंट्स के अंदर और इंटरनेट के ऊपर ये जो ओप्पो X2021 है इसको रिवील किया है। यहाँ पे इसके कुछ वीडियोज़ वगैरह भी लीक किए गए हैं, वीडियोज़ वगैरह भी यहाँ पे दिखाए हैं कि हमारा जो X2021 है ये कैसा होगा। यहाँ पे वीडियो को देखते हुए साफ पता चल रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर एक रोलेबल डिस्प्ले होगी। रोलेबल डिस्प्ले यानी कि आप उसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, मतलब कि उसकी जो साइज़ है, पहले जैसा स्मार्टफोन दिखेगा वो नॉर्मल तो वैसा ही दिखेगा, उसकी जो साइज़ होगी डिस्प्ले की वो 6.7 इंच होगी और उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 7.4 इंच तक। और इसके अंदर एक चीज़ और यहाँ पे वीडियो को देखते हुए जो काफ़ी अच्छी लग रही है वो ये है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी इसके हिसाब से काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि अगर आप इसके अंदर वीडियो प्ले करते हैं तो जो वीडियो है वो जब आप इसको फुली एक्सपेंड करेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वीडियो स्ट्रेच हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। और इसके साथ में ही यहाँ पे जो इसको जब एक्सपेंड किया जाता है तो जो दिखने में जो एनिमेशन होता है, दिखने में जो सॉफ्टवेयर का जो ऑप्टिमाइजेशन, वो कुछ इस तरीके का है कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। मतलब सामने से अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं इसे तो ऐसे लगता है कि डिस्प्ले के अंदर से ही दूसरी डिस्प्ले निकल रही है, डिस्प्ले अपने आप ही एक्सपेंड हो रही है। इसके अंदर 2 मोटर्स का यूज किया गया है, मोटर मैकेनिज्म का यूज किया गया है, जहाँ पे एक कॉर्नर पे दूसरी मोटर लगी हुई है, एक पे एक मोटर लगी हुई है, तो 2 मोटर्स का यहाँ पे यूज किया गया है। और जब भी आप इसको एक्सपेंड करते हैं साइड में एक बटन दिया गया है, उस बटन के जरिए जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो एक साथ में दोनों मोटर ऑन हो जाती हैं। जो स्मार्टफोन है ये 6.7 इंच से बड़ा होकर 7.4 इंच की डिस्प्ले बन जाती है, यानी आप इसको एक स्मार्टफोन की तरह और एक टैबलेट की तरह ही इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो स्मार्टफोन है इसके प्राइस वगैरह क्या होगी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 1 लाख से ऊपर ही आएगा क्योंकि ये कंसेप्ट स्मार्टफोन है और अभी इसके रिलीज डेट के बारे में कुछ बता नहीं सकते, लेकिन नाम इसका रखा ओप्पो ने ओप्पो X2021। तो मे बी 2021 के एंड के अंदर यानी कि 1 साल के बाद में हमें जो स्मार्टफोन है मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। और ऐसा हो सकता है कि जो स्मार्टफोन है ये अभी सिर्फ चाइना में ही रिलीज़ हो, उसके बाद में ही बाकी कंट्री में रिलीज़ किया जाए, तो कुछ कह नहीं सकते रिलीज डेट के बारे में कुछ कह नहीं सकते। वैसे जो ऐसे कंसेप्ट स्मार्टफोन होते हैं इनकी रिलीज डेट जो होती है वो कुछ फिक्स नहीं होती, इनकी जो रिलीजिंग होती है वो भी कोई फिक्स नहीं रहता कि 2021 में रिलीज़ हो ही जाएगा, 2-3 साल बाद में भी रिलीज़ हो सकता है। जैसे शाओमी ने यहाँ पे मी मिक्स अल्फा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, उसको रिवील किया था, लेकिन वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ था, वो भी एक कंसेप्ट स्मार्टफोन ही था। तो ओप्पो ने भी यहाँ पे कंसेप्ट स्मार्टफोन दिखाया है। इसके अलावा यहाँ पे LG ने भी यहाँ पे रोलेबल स्मार्टफोन का जो पेटेंट है वो ले रखा है, तो LG की तरफ से भी हमें ऐसा रोलेबल स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे सैमसंग ने भी इसके ऊपर पेटेंट ले रखा है, तो सैमसंग की तरफ से भी हमें इन द फ्यूचर कभी भी देखने को मिल सकता है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस रोलेबल स्मार्टफोन को लेके आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे चल के टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस होने वाली है। ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर वही सेम डिस्प्ले ओएलईडी डिस्प्ले का यूज़ किया गया है जो कि फोल्डेबल स्मार्टफोन के अंदर यूज़ की जाती है, बस उसका थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन इसके अंदर यूज़ किया गया है, क्योंकि जो ओएलईडी डिस्प्ले जो होती है इसके अंदर यूज़ की गई है वो एक प्लास्टिक की बनी होती है जिसको आप एकदम रोल कर सकते हैं, जो रोल करने से वो बिल्कुल टूटती नहीं है। और जो नॉर्मल डिस्प्ले होती है उसके अंदर ग्लास का यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से उनको हम मोड़ नहीं सकते। तो फोल्डेबल स्मार्टफोन आपको ज़्यादा अच्छे लगे या फिर ये जो रोलेबल स्मार्टफोन है ये आपको ज़्यादा अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो था रोलेबल स्मार्टफोन के बारे में, मैं आपको बताने के लिए कि रोलेबल स्मार्टफोन नाम की चीज़ मार्केट के अंदर जल्दी आने वाली है और ये कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह के टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।